गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन इन सीक्रेट लॉजिक। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करूँगी कि मॉनसून के सीज़न में, जैसा कि आप सब देख रहे हो, मॉनसून स्टार्ट हो चुका है ऑल ओवर। आई थिंक हर स्टेट में ऑलमोस्ट जो है मॉनसून आ चुका है। तो मॉनसून में कुछ स्पेशल करना होता है, अगर आप सोच रहे नहीं तो आप गलत हैं, बिकॉज मानसून में आपको अपनी स्किन का प्रॉपर केयर करना पड़ता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि मॉनसून सीज़न में किस तरीके से आप अपनी स्किन का ध्यान रखें ताकि आपकी स्किन जो है स्मूथ, सॉफ्ट, सपल बनी रहे। और लेट्स बिगिन। सो गाइज, मॉनसून में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हाइजीन को मेंटेन रखना, क्योंकि इसी सीज़न में आपको सबसे ज़्यादा पिंपल्स, फुंसी, एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ अनहाइजीनिक वे टू, मतलब हम डे टू डे के लाइफ में हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम हाइजीन मेंटेन रखें, बट बरसात के सीज़न में क्या होता है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बरसात के सीज़न में क्या होता है कि अच्छे से हमारे कपड़ों को धूप नहीं लगती है, और जब तक सन रेज हमारे कपड़ों पे नहीं पड़ती है तब तक उसके कीटाणु ख़त्म नहीं होते हैं, और वो कितना भी आप फ़ैन के नीचे सुखा लो वो थोड़े से गीले रहते हैं। मतलब जो प्रॉपरली अंदर से वो जो सन की रेज होती है वो प्रॉपरली आपके कपड़ों को अच्छे से ड्राई कर देती है, जो कि बारिश के सीज़न में पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि धूप उतनी अच्छे से निकलती नहीं है। तो आप उसी टॉवल को यूज़ करते हो अपने फेस को क्लीन करने में, पोछने में, तो इस वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाते हो और आपके स्किन पर पिंपल्स, एक्ने, फुंसी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं या फेस करनी पड़ती हैं। तो प्रॉपरली आप इस सीज़न में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी जो भी आपके अंडरगारमेंट्स हैं, आपकी टॉवल है, उसको आप रेगुलरली वॉश करिए। आई मीन टू से कि टॉवल को आप रेगुलरली वॉश करिए, उसको अल्टरनेट डे के लिए मत रखिए कि आपने आज यूज़ किया तो आप कल वॉश करोगे। आप उसको रेगुलर वॉश करिए, और आप इस सीज़न में जो मोटी टॉवल होती है उसके कंपैरिजन कॉटन की पतली टॉवल यूज़ करिए, क्योंकि वो इजीली सूख जाएगी, इजीली आप उसको वॉश कर पाएंगे। अपने अंडरगारमेंट्स को या अपनी टॉवल को आप डिटॉल में ज़रूर वॉश करें हाइजीन मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि डिटॉल से ऑलमोस्ट उसके सारे कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं। और आपकी टॉवल भी आप डिटॉल में वॉश कर लीजिए, लास्ट रिंस उसका डिटॉल में कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी टॉवल में से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, और आप, मतलब अगर आपकी टॉवल सूख जाती है और उसके बाद आप नेक्स्ट डे आप उससे अपने बॉडी को वाइप करते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी जो है क्लीन हो जाती है और कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपको इस सीज़न में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और हम सनस्क्रीन लगाना सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें मौसम बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं क्योंकि धूप नहीं निकली है, बट रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्योंकि देखिए, सन रेज तो हमेशा निकलती हैं और हमें पता नहीं चलता है, बादल के कारण वो छुपे रहते हैं और वो सन रेज हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, हमें उम्र से पहले बूढ़ा बना सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है स्किन का प्रॉपर केयर मेंटेन करने के लिए आप सनस्क्रीन कभी भी स्किप ना करिए, डेली आपको अप्लाई करना है। और बारिश के सीज़न में तो एकदम मस्ट है कि आप SPF 50 या 60 वाला सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें अगर आप बाहर जा रही हैं तो। अगर आप घर में हैं तो आप 20-30 वाला भी यूज़ कर सकती हैं, सूटेबल। एंड अगर आप जाती हैं और सनस्क्रीन अप्लाई करके, इसके साथ ही साथ अब एक अम्ब्रेला अपने साथ ज़रूर लिए जाएं ताकि बारिश अचानक से हो जाए और आपका सारा सनस्क्रीन बह जाए पानी से,
इससे बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक अम्ब्रेला अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि हम रेनकोट भी वेयर करते हैं तो वो हमारे स्किन को नहीं कवर कर पाती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अम्ब्रेला रखिए। तो ये आपके बालों को भी प्रोटेक्ट करेगी और साथ साथ आपके स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगी। स्पेशली स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन अगर आपने अप्लाई किया है तो इफ़ यू हैव टू टेक अ अम्ब्रेला, ताकि आप रेनी सीजन में बारिश के मौसम में अपने आप को बचा सकें पानी से, और आपने जो भी मेकअप अप्लाई किया, जो भी सनस्क्रीन अप्लाई किया है वो बहेना इसके लिए। दूसरी चीज़ है कि इस सीज़न में क्या होता है, आपके बाल तो ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप ज़रूर चेक करिएगा उसको। लेकिन स्किन में क्या होता है, स्किन आपकी ऑयली हो जाती है, क्योंकि सीज़न में स्वेटिंग बहुत आती है और हम प्रॉपर मॉइस्चराइज़र वगैरह सब लगाए रहते हैं, उसके बाद भी स्किन से ऑयल प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इस सीज़न में एक तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो हमें बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को हाइड्रेट रखना अंदर से, क्योंकि अगर हम हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो वो जो स्वेटिंग के रूप में हमारे स्किन से पानी निकलता है, उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई ड्राई सी हो जाती है, और इसलिए जो है स्किन हमारी ऑयली हो जाती है, क्योंकि स्किन जब ड्राई फील होती है ना, तो स्किन अंदर से जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, जब ऑयल स्किन अंदर से ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो उस वजह से हमको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी आपकी। जस्ट इमेजिन कि आपके अंदर से पोर्स में भी गंदगी जमा हो गई है और ऊपर से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो सोचिए स्किन में वही आपकी फुंसी, पिंपल्स, मुहासे की वाली सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और बार बार आप अपने हाथ को अपने स्किन पर टच ना करें, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है बारिश के सीज़न में, तो बिल्कुल भी बस आप जब फेस वॉश करते हैं तभी अपने स्किन पे अपने हाथों को ले जाएं। उसके अलावा आपको जब भी अपने स्किन को पोंछना हो, वाइप करना हो, तो एक अच्छे से वाइप्स पे इन्वेस्ट करिए, बहुत ज़रूरी है बारिश के मौसम में, कि जब भी स्वेटिंग आती है, हम कहीं बाहर गए हैं या बाहर से आए हैं या हमें मेकअप रिमूव करना है, दोबारा सनस्क्रीन अप्लाई करना है, तो एक अच्छे वाइप की हेल्प से, कारा का वाइप्स है, हिमालय का वाइप्स है, जॉनसन बेबी के वाइप्स हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, सूटेबल हैं, कम प्राइजेस में हैं, इनको आप ईजिली अपने साथ रखिए हमेशा अपने बैग में, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप स्किन को अच्छे से क्लीन कर लें। तो मैंने कहा ना, इस सीज़न में आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपरली, तो आप स्किन पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। एक हैंकी अपने पास हमेशा रखें, ताकि स्किन पे जब भी ज़्यादा स्वेटीनेस फील हो तो उसको अच्छे से आप वाइप कर सके विद द हेल्प ऑफ हैंकी। और एक सनस्क्रीन वाले SPF वाले कॉम्पैक्ट पे इन्वेस्ट करें। इफ़ यू हैव अ वर्किंग और आप ऑफिस जाती हैं या कॉलेज जाती हैं, तो आप ज़रूर जो है एक अच्छी सी SPF वाली कॉम्पैक्ट पे इन्वेस्ट करें, तो जिससे आप टचअप कर सकते हैं, तो आपका मेकअप भी नहीं हटेगा, साथ ही आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा और आपकी स्किन जो है वो अच्छी बनी रहेगी और स्किन पे स्वेटिंग भी नहीं आएगी बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट, क्योंकि कॉम्पैक्ट हमारे स्किन हमारे मेकअप को सेट कर देता है लॉन्ग आवर। तो अगर हम SPF कॉम्पैक्ट से टचअप देते रहेंगे तो एक तो एज अ सनस्क्रीन वो प्रोटेक्ट भी करेगा हमारी स्किन को और स्वेट आने से बचाएगा हमारी स्किन को। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी ऑफ कॉम्पैक्ट, स्पेशली SPF कॉम्पैक्ट। ओके, और टोनर अप्लाई करना इस सीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उन्हें उन्हें अच्छे से क्लीन करके क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो टोनर क्या होता है, हमारे पोर्स को अच्छे से क्लीन करता है। आप एक टोनर को वाइप में लेकर के अच्छे से पोंछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली टोनर को अपने फेस पर स्प्रे कर लें आफ्टर वॉशिंग योर फेस। फेस को वॉश करने के बाद ही टोनर को अप्लाई करना होता है, टोनर ऐसे आपको अप्लाई नहीं करना होता है। एज अ सेटिंग स्प्रे आप अप्लाई कर रहे हो देन इट्स डिफरेंट, बट आफ्टर यूजिंग अ फेस वॉश आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद ही आप टोनर को अप्लाई करें, ताकि आपके पोर्स पे जो गंदगी हो वो फेस वॉश के थ्रू निकल चुकी हो और जो भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डॉट हो वो आप वाइप की हेल्प से पोंछ लें और उसके बाद टोनर अप्लाई करें। तो टोनर आपके स्किन को यूथफुल भी बनाए रखेगा, साथ ही आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको क्लोज करता है, क्लॉक करता है, तो इसकी वजह से गंदगी जमा नहीं हो पाती है। साथ ही आप आइस मसाज भी ज़रूर लें, क्योंकि स्वेटिंग बहुत होती है इस सीज़न में, तो ये समर्स का ये चीज़ तो काफ़ी सिमिलर है, समर्स में भी बहुत स्वेटिंग होती है, तो हमें आइस मसाज करना ज़रूरी होता है, स्पेशली इफ़ यू वांट मेकअप एडिक्ट। तो अगर आपको मेकअप करना पसंद है तो मेकअप करने से पहले अपने मेकअप को थोड़ा सा सेट रखने के लिए, क्योंकि सीज़न में भैया बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, आपका मेकअप कब बह जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आइस मसाज करने के बाद मेकअप अप्लाई करें, तो आपका मेकअप जो है थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेट रहेगा। तो हम समर्स में भी ये चीज़ अप्लाई करते थे और यही चीज़ हम जो है बारिश के सीज़न में भी अप्लाई करेंगे।
स्वेटिंग से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है समर से भी ज़्यादा स्वेटिंग हमें बारिश के सीज़न में आती है, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा आर्द्रता बनी रहती है और अंदर हमें फील नहीं होता है। जब हम बाहर निकलते हैं कई बार लगता है मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से हमें बार बार स्वेटिंग आती है और हम अपने हाथों से उसको पोंछ लेते हैं, जिसके वजह से हमें पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्किन का प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। रात को आप जब भी आएँ, शाम को अपने फेस को प्रॉपरली अच्छे से क्लीन करें, एक अच्छे से क्लिंजर में इन्वेस्ट करिए। बारिश के मौसम में बहुत ज़रूरी है क्लिंजिंग करना और टोनिंग करना और मॉइस्चराइजिंग करना, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हर सीज़न के लिए है, लेकिन बारिश के सीज़न में आप श्योरली एक अच्छा सा माइल्ड क्लिंजर ज़रूर रखें अपने पास। और अगर आप बाहर हैं तो एक अच्छे वाइप पे इन्वेस्ट करें और उससे फेस को वाइप करें, लेकिन अगर आप घर आते हो तो शाम को डेली सोने से पहले आप एक अच्छे माइल्ड क्लिंजर से अपने फेस को क्लीन कर लें और उसके बाद टोनिंग करें। और इससे क्या होगा कि आपको एक्ने और पिंपल जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये सुटेबल है एवरी स्किन टाइप, क्योंकि इस सीज़न में चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो, चाहे नॉर्मल स्किन हो, हर स्किन को प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ द वेदर। तो हमारा वेदर ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है हमारे स्किन को, तो हमें थोड़ा सा प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करके, प्रॉपर केयर करके हम अपनी स्किन की देखभाल रख सकते हैं और अपने स्किन को बैलेंस बना सकते हैं। और साथ ही इस सीज़न में भी आप अपना इस सीज़न को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी स्किन को फ्लॉलेस, सप्पल और गुड लुकिंग बना करके। तो बहुत ज़रूरी है हेल्दी स्किन रखना। मेकअप से ज़्यादा होता है कि आप अपनी स्किन नेचुरली अंदर से हेल्दी और ग्लोई बनाएं, ताकि आपको ऊपर से कोई मेकअप करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप नेचुरली ब्यूटीफुल दिखें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे इनरिच वाटर बेस्ड फूड ज़्यादा से ज़्यादा लें, लाइक कोकोनट वाटर। मतलब मैंने बताया ना कि आपको हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू आपका हाइड्रेशन बराबर से बाहर निकलते रहता है। तो आपको अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कोकोनट वाटर लेना है, कुकुम्बर है, आपका जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, मैंगो हैं, ये सारी चीज़ें लेनी है आपको, ताकि आपके शरीर में जो है वो हाइड्रेशन की कमी ना होने पाए। जितना ज़्यादा अपने शरीर को हाइड्रेट रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे, एटलीस्ट आपको 12-15 ग्लास ऑफ वाटर डेली ज़रूर पीना चाहिए। इससे आपके स्किन में, इससे आपके बॉडी में एक्चुअली हाइड्रेशन की कमी नहीं हो पाती है और प्रॉपरली आपकी स्किन पे ग्लो बना रहता है, क्योंकि हाइड्रेशन की कमी होने की वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर स्किन केयर रूटीन मेंटेन रखना। और इस तरीके से आप जो जो चीज़ें मैंने बताई उनको फॉलो करके आप अपनी स्किन को एक अच्छा एक अच्छा डाइट लेकर के भी आप अपने स्किन को बैलेंस कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आई थिंक कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आपको प्रॉपरली डाइट लेनी है, प्रॉपरली फूड लेना है। याद रखिए, जो वाटर बेस्ड फूड है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, इस तरीके से अपने स्किन का ध्यान रखिए। तो आई होप कि ये मौसम जितना दिखने में अच्छा होता है, उतना हमारी स्किन के लिए भी अच्छा रहे। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।